बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर डिजीज ऑफ फील्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। आज का यह वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर एक, ब्राउन आ लीफ रस्ट का काजिल ऑर्गेनिज्म है तो पक्सिनिया रिकैंडिडा टिट्साई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलो और स्ट्रिप रस्ट का काजिल ऑर्गेनिज्म है तो यह पक्सिनिया स्टीफॉर्मिस है तथा इसका प्रकोप दिसंबर टू जनवरी में होता है। नेक्स्ट, एलो और स्ट्रिप रस्ट पौधे की किस अवस्था में अधिक हानि पहुंचाते हैं तो वह अर्ली स्टेज में अधिक हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, ब्लैक स्टेम रस्ट का कॉजिल ऑर्गेनिज्म है तो यह पक्सिनिया ग्रेमनी टिट्साई है तथा इसका प्रकोप फरवरी तो स्टार्ट मार्च में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस रस्ट को किलर के नाम से भी जाना जाता है तो ब्लैक स्टेम रस्ट को किलर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, रस्ट के कंट्रोल के लिए किस फंगिसाइड का यूज यानी प्रयोग करना चाहिए तो वह सल्फर व मैंकोजेम 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। रस्ट के कंट्रोल के लिए कनाल बंट और पोर्टियल बंट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है तो निवेशिया इंडिका है। यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कर्नाल बंट को सबसे पहले किसने देखा या किसने रिपोर्ट किया था तो वह मित्रा ने 1931 में किया था पंजाब में। पिछला क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, किस रोग को गेहूं का कैंसर कहा जाता है तो कर्नाल बंट को कैंसर कहा जाता है तथा इसका निवेशिया इंडिका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट, कर्नाल बंट की फैमिली है तो वह टेलिएसी फैमिली है कर्नाल बंट की। नेक्स्ट, और यह एयरबोर्न व स्पोर्डिया यानी मृदा जनित व बीज जनित बीमारी है कर्नाल बंट। नेक्स्ट, कर्नाल बंट पौधे की किस अवस्था को क्षति पहुंचाता है तो यह कर्नाल बंट फ्लावरिंग स्टेज की अवस्था को क्षति पहुंचाता है यानी जब फूल आने का टाइम होता है। नेक्स्ट, कर्नाल बंट से प्रभावित कुछ दाने ढके होते हैं तो वह ब्लैक सूट पाउडर से ढके होते हैं। कर्नाल बंट से प्रभावित दाने ब्लैक सूट पाउडर से ढके होते हैं। नेक्स्ट, कर्नाल बंट से प्रभावित दानों में किस कारण दुर्गंध आती है तो ट्रायोमिथाइल एमाइन के कारण दुर्गंध आती है। नेक्स्ट, कर्नाल बंट से बचने के लिए बीज को किससे उपचारित करना चाहिए तो वह एग्रोसान जीएन पीएमए और कैरासान से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड को उपचारित करना चाहिए। नेक्स्ट, लूज स्मट का काजिल ऑर्गेनिज्म है तो यह अस्टलागोमुडा सेगेटम वार टिट्साई है यानी लूज स्मट का काजिल ऑर्गेनिज्म अस्टलागोमुडा सेगेटम वार टिट्साई है। नेक्स्ट, लूज स्मट से प्रभावित बीज को किससे उपचारित करना चाहिए तो वह बीटामैक्स 2.5 किलोग्राम सीड्स को उपचारित करना चाहिए व कार्वैक्सीन डीएमओ। नेक्स्ट, लूज स्मट अधिक प्रभावित करता है तो एयर यानी हवा से एवं रेचिस एवेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पाउडरी मिल्डू का काजिल ऑर्गेनिज्म है तो एरिसाइफी ग्रामिनिस टिट्साई है। एरिसाइफी ग्रेमनी टिट्साई है पाउडरी मिल्डू का काजिल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, एयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट
ड्यू टू, तो यह नेमेटोड डिजीज है और यह इंजूनिया टिटसाई होता है। तो 20% सोयल सोल्यूशन ब्राइन। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ स्मट है, यानी स्मट का कौन सा ऑर्डर है, तो वह अष्ट लागनेलस है इसका ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई यूज विच क्राप्स, यानी कॉपर सल्फेट का फर्स्ट टाइम किस क्राप में प्रयोग किया गया था, तो प्रवेस्ट 1807 बंट ऑफ व्हीट में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट यूज रस्ट कंट्रोल फंगीसाइड व्हीट, गेहूं के कंट्रोल के लिए किस फंगीसाइड, यानी यूज रस्ट के यानी गेहूं के रस्ट के कंट्रोल के लिए किस फंगीसाइड का प्रयोग किया जाता है, तो आप प्लांट वैक्स 0.02% का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एलो रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी हैं, जो एलो है एलो रस्ट उसके प्रतिरेस्टेंट वैरायटी व्हीट की गेहूं की कौन कौन सी हैं, तो वह सोनालिका है, सरबती है, सोनारा है, UP 301 है, वह PAW 343 है, या एलो रस्ट के प्रति रेसिस्टेंट हैं। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मोनोसाइलिक डिजीज ऑफ व्हीट, यानी मोनोसाइलिक डिजीज है, तो यह लूज स्मट है। नेक्स्ट लूज स्मट ऑफ व्हीट नेस्टेंट वैरायटी, यानी लूज स्मट के प्रति व्हीट गेहूं की कौन कौन सी रेसिस्टेंट वैरायटी हैं, रोगरोधिता यानी रोगरोधित वैरायटी कौन कौन सी हैं, तो यह कल्याण 227 कल्याण 227, कल्याण सोना, PV 18, C 302 इत्यादि हैं। नेक्स्ट कॉमन बंट में प्राइमरी स्पोर्डिया का आकार होता है, तो यह सॉफ्ट आकार का होता है। नेक्स्ट एयर कोकल डिजीज इज आल्सो कॉल्ड इन इंडिया, तो सेहू डिजीज। नेक्स्ट नेमेटोड वाज फर्स्ट नोटिस इन इंग्लैंड इन 1743, तो यह नीदम ने दिया था 30% के लिए। नेक्स्ट नेमेटोड्स के कंट्रोल के लिए किसका उपयोग करें, तो यह वेमाफास पाउडर का 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ व्हीट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो अल्टरनेरिया टिटसाई है, यानी अल्टरनेरिया ब्लाइट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो अल्टरनेरिया टिटसाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ व्हीट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, तो यह प्रसाद एवं प्रभु ने 1962 में दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रेड रॉट ऑफ शुगर कैन का काजिल ऑर्गेनिज्म है, पिछला क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है, रेड रॉट का गन्ने का रेड रॉट शुगर कैन का काजिल ऑर्गेनिज्म है, तो कोलेट्रोकम फल्केटम है, कोलेट्रोट्राइकम फल्केटम है इसका। नेक्स्ट रेड रॉट डिजीज वाज डिस्क्राइब्ड इन, तो जावा बाई वेंट इन 1843 में। नेक्स्ट बिहार और यूपी में इसे कब देखा गया, यानी रेड रॉट को बिहार और यूपी में कब देखा गया, तो 1939 से 1942 में देखा गया। नेक्स्ट रेसिडेंट वैरायटी ऑफ रेड रॉट शुगर कैन, तो रेसिडेंट वैरायटी शुगर की कौन कौन सी हैं, तो C704, CO4314, 7107, धानसी, कलंग, BO99 इत्यादि हैं। नेक्स्ट शुगर कैन स्मट्स डिजीज का दूसरा नाम है, तो व्हिप डिजीज है दूसरा नाम। नेक्स्ट
इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई तोवा नेटेड स्मिथ ने अफ्रीका में 1877 में इस रोग को रिपोर्टेड किया था। शुगर कैन स्मट का काजिल आर्गनेज है ऑस्टियोगोटिट्साई, यानी गन्ने का जो स्मट होता है उसका काजिल आर्गनेज है तो ऑस्टियोगो सिस्टाइमिनिया। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में रेड राट का अधिक प्रकोप होता है या अधिक फैलता है? तो वह ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल क्षेत्र इंडिया में होता है। नेक्स्ट, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्मट ऑफ सुगर कैन इज आल्सो कॉल्ड, तो यह कॉलमोसियलियम स्मट।